से लड़ाई। पटना एयरपोर्ट पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दहशत है। हर चेहरे पर कोरोना काल की तरफ खौफ दिख रहा है। आरोप यह है कि वैक्सीन नहीं लेने वाले एयरपोर्ट पर खुद से ही वैक्सीन ले रहे हैं। पिछले 48 घंटों में 125 लोगों ने वैक्सीन ली है और लगभग 500 से अधिक लोगों ने एंटीजन और आरटीपीसीआर जांच कराई है। सरकार ने एयरपोर्ट पर अलर्ट किया है। लगातार हेल्थ वर्करों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें, रात 8 बजे तक वैक्सीनेशन की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। केयर इंडिया के वॉलंटियर का कहना है कि जांच के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर पूरी टीम लगाई गई है। बाहर से जो भी लोग यहां आ रहे हैं उनकी भी जांच कराई जा रही है और उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है तो उनको तत्काल वैक्सीन दी जा रही है। बिना वैक्सीन के किसी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। इससे पहले बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर 70 से अधिक लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया था। एयरपोर्ट पर मास्क को लेकर काफी सख्ती दिखाई जा रही है। एयरपोर्ट के अंदर सैनिटाइजर के साथ कोरोना के बचाव के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सुरक्षा कर्मियों को भी एक्टिव मोड पर लगाया गया है। एयरपोर्ट से निकलने वाले यात्रियों की जांच और वैक्सीनेशन के बाद ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का केयर करते हुए सख्ती दिखाई जा रही है। जगह कम होने के कारण भीड़ के लिए समस्या हो रही है। साथ ही हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना के खतरे को लेकर अब फ्लाइट से यात्रा करने वालों को 72 घंटे के अंदर कोरोना का जांच रिपोर्ट देना होगा। इसमें आरटीपीसीआर की रिपोर्ट होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एयरपोर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई जाएगी और सुरक्षा को लेकर अलर्ट किया जाएगा। पटना से फ्लाइट से यात्रा करने वालों को जांच रिपोर्ट देनी अनिवार्य होगी। अब देखने वाली बात होगी कि और कोरोना को देखते हुए एयरपोर्ट पर क्या सख्ती दिखाई जाती है। लेकिन तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल फोर्ट पे लड़ाई। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।